आदाब, शुक्रिया, मेहरबानी। पता नहीं शेरवानी पहन कर मैं क्यों, मुझे कुछ शर्म से आती है। कोई ऐसी बात नहीं, मेरी शेरवानी को फटी हुई नहीं है, और मगर मैं क्या करूं, शेरवानी पहनते ही एक शर्म आना एक लाजमी, एक फितरी बात है। एक मशरकी लड़के के लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया होती है शेरवानी, और एक लड़की की झुकी हुई आँखें, और एक लड़की की खोई हुई आँखें, और एक लड़के की ख्वाब देखने वाली आँखें, वो यही होती हैं कि वो सपने देखता है। लेकिन एक सपना जो होता है वो होता है जो सपना होता है, और एक वो होता है जो आने वाला सपना होता है, यानी कि जो होने वाला होता है उसके सपने नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि टैलेंटेड आदमी शुरू में ही पहचाना जाता है कि ये टैलेंटेड आदमी है। और अगर आपके अंदर ये सच्चाई हो कि आप खुद अपनी बात बता दें, या कि आपको कोई टटोले, आप में झांके, आप में तलाश करे, तो इससे बेहतर है कि आप खुद बता दें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शेरवानी पहन के मुझे शर्म आती है, इसलिए नहीं कि मैं कोई हकीम हूँ और मुझे शर्म इसलिए आती है कि मैंने कोई इलाज गलत कर दिया, नहीं, बल्कि मुझे ये बात कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि हम जब अपने मुल्क के कुछ चीज़ों पर नज़र डालते हैं तो मुझे लगता है जैसे हमसे कुछ छुपाया गया था, और जब वो कहीं और से न्यूज़ आती है और उसका इंकशाफ होता है तो बहुत नदामत होती है, क्योंकि आप पता नहीं उस वक्त कहाँ होते हैं, उस किसी और मुल्क में होते हैं, वो मुल्क के लोग आपको कहते हैं कि यार आपके मुल्क में ये हो रहा है, आपके लोग ये कर रहे हैं। सपोज़ क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो इंटरनेशनली है, और मैं पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता रहा हमेशा, और अब पता नहीं क्या हुआ, नज़र लग गई कि कोई दाव लग गया, या किसी का कोई काम लग गया, क्या हुआ, और फिर इससे ही दौरान में विकीलीक्स आनी शुरू हो गई, और अब मुझे डर इस बात का है कि कहीं खुदा ना खास्ता क्रिकेट का पर्चा ना खुल जाए और उसमें कुछ नाम निकलना शुरू ना हो जाए, और कहीं उनमें वही नाम ना आ जाए जो इंक्वायरी में है, तो फिर क्या होगा। दिल धड़क रहा है, शेरवानी में भी दिल धड़क रहा है, हालांकि मुझे शेरवानी पहन के बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन फिर भी धड़क रहा है। और हमने फिर इस धड़कन का इलाज ये सोचा कि क्यों ना ऐसे मेहमान बुलाए जाएं जिनसे हम अपने ये वसवसे और खदशात दूर कर लें, उनसे डिस्कस करें क्रिकेट के मौजू पर और फिल्म इंडस्ट्री के मौजू पर, और उनसे पूछें फिल्मी लीग्स और क्रिकेट लीग्स में उनके पास क्या क्या इंकशाफात हैं। मगर सबसे पहला मैं आपके ऊपर वो बम फाड़ना चाहता हूँ जिसका आप सोच भी नहीं सकते, वो न्यूज़ जो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, वो न्यूज़ जो तबाही फैला देगी, वो न्यूज़ जो आपको चौंका देगी। अगर आप सोए हुए आप उठ के बैठ जाएंगे, आप उठे हुए तो आप बैठ जाएंगे, आप बैठे हुए तो आप खड़े हो जाएंगे, और अगर आप खड़े हुए तो आप भाग जाएंगे। वो न्यूज़ है मेरी आंखों में, देख लो भाई आंखों नजर नहीं आ रहा। अरे भाई ब्रेक लेने जा रहा हूँ, ब्रेक लेके वापस आता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं और बात करते हैं इन दोनों मौजूदात पर अपने मेहमानों के साथ। डोंट गो एनीवे, आई विल बी राइट बैक। मैं जरा आपको सीरियस लग रहा हूँ, और क्योंकि शेरवानी बड़े बड़ों को सीरियस कर देती है, शेरवानी में बस परेशानी नहीं होनी चाहिए। शेरवानी पहनने के बाद आदमी अपने आप को ज़रा थोड़ा सा मिनिस्टर समझने लगता है, और ज़रा थोड़ा सा और आगे सोचे तो प्राइम मिनिस्टर समझने लगता है, और उससे ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है, और उससे ज़्यादा आखिरी हद सोचता है तो अपने आप को दूल्हा समझने लगता है। हर आदमी अपने आप को कुछ ना कुछ समझता है, इससे नीचे कोई कुछ, किसी को कोई कुछ नहीं समझता, लेकिन अपने आप को कुछ ना कुछ समझता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस फील्ड में होते हैं उस फील्ड को अच्छी तरह समझते हैं, और समझते हैं इस बात को, और वो सबको समझते हैं बातों बातों में, इशारों में इशारों में। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत को बुला रहा हूँ, ये इनको हम कह सकते हैं क्रिकेट जो हमारा गेम है पाकिस्तान का, क्रिकेट का आप इनको कह सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप इनसे, किसी भी मौजू पर इनसे बात कर सकते हैं, कौन कब आउट हुआ था, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था,
उसके कहने पे हुआ था, और क्यों कोई आउट नहीं हो रहा, इसके हाथ से कैच कैसे निकल गया, इसके हाथों में सुराख है। एक प्रोग्राम आप देखते हैं जियो सुपर पर, बोले क्या बात है, क्या बात क्या है, बोले क्या बात है भाई, बोले क्या बात है यार, इन हालात में कोई क्या बोले यार, क्या बात है। आदमी को अपनी फिक्र पड़ी हुई, मैं घर पहुंच जाऊं, घर वाले उसको देख के पूछते हैं खैरियत है, बोलो ना क्या बात है। आदमी क्या बोले कि क्या बात है, बहरहाल बोले क्या बात है। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके 600 एपिसोड हो चुके हैं अब तक, ये बहुत बड़ी बात है। 600 जो लोग स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं वो उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग पहचानते हैं। आपकी भरपूर तालियों में हमारे आज के शरीफ शो के पहले मेहमान मिर्जा इकबाल बे। मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं साहब, आपने कब अपनी प्रोफेशन का आगाज किया, कब, कौन से सन में? ये उमर भाई, एक्चुअली इट वाज इन 1987 मैंने पहली मर्तबा रेडियो पर आया, एक रेडियो से बड़ा मशहूर प्रोग्राम होता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, तो फिर उससे आगाज हुआ, मैंने एक रेडियो से शुरू किया। कमेंट्री करते थे आप प्रोग्राम को? मैं पहले प्रोग्राम करने गया, एक्चुअली आई वांटेड टू बिकम अ कमेंटेटर, मुझे कमेंट्री की ख्वाहिश वहाँ खींच कर ले गई। और आप स्टाइल कमेंट्री का आपको आ रहा है उसके अंदर जी, तो खूबसूरत मोमेंट, गेंद को खूबसूरत लेकर के चले, बहुत आला गेंद, बहुत उम्दा गेंद। अच्छा, ऐसे आला उम्दा कह रहा हूँ जैसे इसने खाई है 5-6 गेंदें, है ना? वो बस एक शौक था। शौक था, लोग कहते हैं ना, फिर मुझे वहाँ, मुझे तौसीफ अहमद लेकर गए थे, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर। आपको पता है पाकिस्तान में तौसीफ अहमद, मैंने उनके वलीमे का फंक्शन किया, जावेद मियादाद ने मुझे कहा था उनके लिए। अच्छा। हाँ, मुझे उनका फोन आया था जावेद के, यार तौसीफ का वलीमा उसमें जाए, तो हम चले गए थे उसके फंक्शन जी, 22 साल पहले। हाँ, ये शाह फैसल कॉलोनी जी, 88 की बात है जी। जी, तो वो मुझे लेकर चले गए, और फिर मैंने एक्चुअली, मैं कमेंटेटर बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा आप रेडियो का एक प्रोग्राम करें, और फिर उस रेडियो के माइक्रोफोन से फिर एक उनसियत हुई, अल्फाज का तलफ़ सही अदायगी, सब चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद मैं जर्नलिज्म में चला गया, और अब भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं पाकिस्तान से बाहर के चैनल्स भी कर चुका हूँ, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स, उसके अलावा Radio 702 साउथ अफ्रीका, और BBC के लिए भी मैंने एक टूर्नामेंट पे रिपोर्टिंग की, और बस ये सिलसिला चल निकला। तो आप ये काम बाकायदा क्यों नहीं करते हैं? बाकायदगी से तो करता हूँ। अच्छा 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 आपके आपके आपका मतलब बाकायदगी से क्या मुराद है? मैं कह, शायद आप शौकिया करते हैं? नहीं, शौकिया नहीं। अच्छा, ये प्रोफेशन आप जी। तो इसमें आपकी जिंदगी के जितने साल आपने बताए हैं जी मिर्जा साहब, इसमें तो मैं समझता हूँ कि आपके सामने एक बेशुमार लोग आए और गए हैं। बिल्कुल। और कुछ सुरखुरु गए हैं, और कुछ शर्मिंदा से गए हैं, पिछले दरवाजे से गए हैं। जी। मुझे आप एक बात बताएंगे, एक नया सा लड़का आता है एकदम रातों रात, वो स्टार बनता है ड्रम ड्रम, हमें 35 और 30 के दरमियान में मुझे ये काम करते हुए हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत शौहरत नस्से नवाजा उसके अपने हबीब के सदके में। लेकिन यार, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना ये मैच खेलने के बाद आ जाता है, और एकदम वो चीज़ें उनके पास आ जाती हैं। मैं इनके नसीब पे रश करता हूँ कि यार इनका नसीब क्या है यार, देखो क्या यूं करने के कितने पैसे हैं, अल्लाह छप्पर फाड़ के दे, और यूं से यूं करने के कितने पैसे हैं, और ये यूं से यूं करने के कितने पैसे हैं। दुआ मांग रहे होते हैं ना अल्लाह ताला से कि छप्पर फाड़ के दे दे। ये कैच पता किसलिए छूटता है, मेरा ख्याल है, आप तस्दीक कीजिएगा मैं गलत कह रहा हूं, सही, इसलिए छूट जाता होगा कि या अल्लाह ये मेरे हाथ में ना आए, दुआ के लिए हाथ उठाए और हाथ खुल गया, पाउंड आ जाए, डॉलर्स आ जाए, डॉलर पाउंड आ जाए, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो प्लेयर्स कहाँ गए, लाइक जावेद हैं, जहीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, इंतखाब आलम, इमरान खान और अल्लाह आपका भला करे
आसिफ इकबाल। अच्छा, वो भी थी फिल्म। शारजा उन्होंने स्टार्ट किया था ना? शारजा उन्होंने नहीं किया था, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1978-79 में पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पर थी। अच्छा। और आखिरी कैलकटा टेस्ट था जहां आसिफ इकबाल कप्तानी कर रहे थे, और गंडापा विश्वनाथ ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने कहा कि बस तुम टॉस जीत गए, वो टॉस ही नहीं हुआ। और लोग कहते हैं कि वहां से फिर जो कहानियां शुरू हुई वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मतलब साइंसदान है आसिफ इकबाल इस काम के। जिस मानों में भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो आप तो बोल रहे हैं ना कि वहां से शुरू हुआ काम, मतलब वहां से एक शय मिली ना कि भाई टॉस हम नहीं करते, अब तो मैच रेफरी भी जाता है, अंपायर भी जाता है टॉस कराने, नजर रखता है, टेलीविजन कैमरा भी होता है। उस वक्त इस तरह की सूरत, उस वक्त तो अठन्नी फेंकी वही देख रहा जो वहां खड़ा हुआ। तो वहां से काम शुरू हुआ। गंडापा विश्वनाथ ने लिखा था, वो सुनील गावस्कर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने लिखा था उस किताब। सुनील गावस्कर या और इंडियन क्रिकेटर्स, पाकिस्तान क्रिकेटर्स, ये सारे के सारे जो जितने ये मैंने नाम लिए हैं पाकिस्तान के, ये सारे लोग कभी इन्वॉल्व नहीं हुए इन चक्रों में। लेकिन आज के लड़कों ने ये बात साबित कर दी, वो मिसाल जो लोग कहते थे कि उसको गलत कर दिया कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। उल्टा कर दिया इन्होंने इस बात को, उल्टा कर कि आप पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, यानी क्या खराब हो गए, दरखास्तें मैं भाई कहीं दिलवा दो, चपरासी लगवा दो भाई, कहीं खंबे में चढ़ा दो, मैं ऑपरेटर बना दो भाई, कहीं लगवा दो, मेरी बहन की शादी आने वाली भाई, है कि नहीं जी। और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब है पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। अच्छा, सुनील गावस्कर का उमर भाई आपने जिक्र किया, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य बताऊं, बहुत कम लोगों को पता होगा। चले बता दें, आप तो सबको पता लग जाएगा, आज सबको पता चल जाएगा। वो बॉम्बे के जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए, तो उनका मामू मधु मंत्री वो उन्हें देखने गया और देख के चला गया। जब दूसरे दिन वो गया तो उसने कहा ये बच्चा बदल गया है, है? उसने कहा कि जो कॉट में बच्चा लेटा है वो बच्चा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसे, आपको कैसे? उसने कहा कि उस बच्चे के कान में जो मैं कल देख कर गया हूँ, जो मेरा भांजा, उसके कान में एक छोटा सा सुराख था। तो हॉस्पिटल वालों ने जब ढूंढा तो पता चला कि वो बच्चा जिसके कान में सुराख था, जो सुनील गावस्कर था, वो एक मछेरे की बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसके बराबर वाले कॉट पे लेटा हुआ था। तो गावस्कर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि अगर मेरा मामू इतना शार्प माइंडेड ना होता तो मैं आज समंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहा होता और पता नहीं मछेरे का बच्चा सुनील गावस्कर बनता या नहीं बनता। और अगर उसके कान में सुराख नहीं होता तो काम बहुत आसान हो जाता। या अच्छा, उसके एक्स्ट्रा सुराख था, एक तो जी, होता है कान के अंदर, अच्छा वो यहाँ था, छोटा सा सुराख इधर साइड में, लीकेज जो होती है जी। तो ये विकी लीकेज जो हो रही है क्रिकेट की तो नहीं हुई ना अभी तो। अच्छा, कोई ये जो अभी केस हुआ है इसमें आप क्या बताएंगे, क्या आपका क्या तजिया है इसके अंदर, आप अपना तजिया बताएं। कौन सा वाला केस है, आमिर सलमान भट्ट या आसिफ वाला या जुल्करनैन हैदर वाला? जुल्करनैन हैदर का बताएं। जुल्करनैन हैदर की बड़ी डाइसी सिचुएशन है। लोग कहते हैं कि वो इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं था, एक टेस्ट, चार वनडे और तीन T20 खेला, और माशाल्लाह दो बच्चियों का बाप भी था वो 24 बरस की उम्र में, और वो चला गया। लोग कहते हैं कि ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है कि कैसे खिलाड़ी चला गया, ये समझ में नहीं आता लोगों को। कहाँ चला गया वो? इंग्लैंड चला गया, लंदन चला गया, और मैनेजर से उसने पासपोर्ट लिया कि मुझे सिम लेनी है इंतखाब आलम साहब से, और उस बहाने कैसे उसकी इंतखाब आलम एक मासूम सा आदमी है, इतनी बड़ी उम्र में आदमी को समझ में नहीं आता पासपोर्ट क्यों ले रहा है एक आदमी 60 बरस से जायद के। उनकी उम्र ऐसी हो गई है कि अब उनको पता ही नहीं पासपोर्ट किस काम का होता है। उसको बताया कि मैं सिम लेने के लिए लेके जा रहा हूँ, उनको ये तो सिम के लिए तो कोई और आईडी भी यूज हो सकती है। लेकिन उसने तो बड़ी सफाई से लिया ना अपना पासपोर्ट, बड़ी सफाई से बच्चा काम करता है वो। अभी उसने कहा है कि मैं इंकशाफात करूंगा, अभी करेगा वो, अभी और मजीद इंकशाफात करेगा। मैंने बोला ना विकी लिखी जाएगा इसके अंदर। मुझे बात बताइए, कोई मंत्र, कोई वजीफा, कोई तावीज़, कोई सिफली, कोई जादू, क्या करना पड़ेगा ये एजाज भट्ट साहब मुस्तफ़े हो जाए? बस ये जिस तरह से ये तो आपने क्या क्या करना पड़ेगा हमको, कहीं पानी में खड़े होकर कोई चिल्ला काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इन बाबा जी के लिए, उनको कुछ तो चला नहीं जाता है। मुसल्ले बिछाकर दुआएं करनी होंगी, कहते हैं अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, शायद दुआ कबूल हो जाए। हाँ, दुआ दुआओं उनके लिए दुआ करो। मैं तो कहता हूँ उनको भी चाहिए वो भी दुआ करें। 73 बरस के हो गए माशाल्लाह, नहीं वो चाहे अल्लाह करे 100 साल के हो जाएं, लेकिन क्रिकेट का जो हशर हो रहा है ये ना हो।
लेकिन उमर भाई ये सबसे वर्स्ट एवर पीरियड है पाकिस्तान क्रिकेट का, कंट्रोवर्सीज दर कंट्रोवर्सीज, इससे ज्यादा बुरा वक्त नहीं आया बिल्कुल कभी आपने देखा इससे ज्यादा, इतने कभी से आप 8 अक्टूबर 2008 को ही आए थे, 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इन 2 साल में रुसवाई, बदनामी, जिल्लत, इसके सिवा में इसके सारे तमगे ले लिए इनके दौर में हमने। सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप जीते थे यूनुस खान की कप्तानी में 21 जून 2009 को, उसके बाद से कुछ नहीं। उसके बाद से अभी हमारे पास है वो कप? जी हाँ, T20 नहीं, अब हमारे पास कहा, अब इंग्लैंड जीत गया ना वेस्ट इंडीज में, हमारे पास तो मेरे ख्याल अब कुछ चाय का कप भी नहीं होगा। एजाज बट साहब चलते हैं, इन्हें कुछ चलाता है पीछे से, इन्होंने लिफ्ट लगा ली है खुसूसी तौर पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जो हेडक्वार्टर है, वहाँ कभी लिफ्ट नहीं थी, लेकिन जब से ये चेयरमैन बने हैं वहाँ लाखों रुपए की लिफ्ट लाकर लगाई गई है। अच्छा, वो चलते भी ऐसे ही हैं जैसे अभी ये तो लड़ाई करके आए है ना। और कितने आपने लोगों को देखा बाहर के मुल्कों में जी क्रिकेट के अलावा कुछ और खेलते हुए? देखिए इंग्लैंड वगैरह में तो बैटिंग जो है वो लीगल है, वहाँ तो लीगल होती है, पाकिस्तान इंडिया ये मेन बैटिंग के गढ़ कहलाते हैं कि यहाँ सट्टेबाजी होती है। और अब तो फैंसी फिक्सिंग होने लगी है, फैंसी फिक्सिंग इस तरह से कि मैच की पहली गेंद वाइड बॉल होगी, इस ओवर में इतनी दो नो बॉल्स होंगी, टेक्निकल हो गया बैट्समैन नहीं सकते, बैट्समैन जो है इब्तदाई 15 ओवर में जब दायरे में फील्डर्स होंगे तो 50 से ज्यादा रन नहीं करेंगे, तो इस तरह की फैंसी मतलब, और हम पागल सारे लोग बैठे हुए देख रहे हैं अब मारेगा छक्का ये है। अब तुम देखना, अरे यार तुम देखना सही, अभी देखना देखना तुम भाई, एक ओवर तो होने दो, मैं जानता हूँ ना इसका स्टाइल, अभी तुम देखना क्या निकाले। मासूम कौम मेरी, आई लव यू माई नेशन एंड माई कंट्री एंड इनोसेंट पीपल्स, आप देख रहे हैं, आप बातें सुन रहे हैं, आप मैच देख रहे होते हैं, कितने इन्वॉल्व होते हैं आप और हम, और हमारे हमारे घर में औरतें दुआएं कर रही होती हैं, अल्लाह 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 बस तू छक्का दे दे, एक छक्का अल्लाह छक्का दे दे, उस तरह कर रही होती, रो रही होती बिल्कुल है। नफले मानते लोग, मन्नतें मान लेते हैं, टीम जीत जाए उनको क्या पता, टीम तो पहले से सेटिंग करके बैठी हुई है। हाय 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 हाय, अगर क्रिकेट स्टेडियम से ये ऐलान कर दिया जाए कि इसमें खवातीन नहीं जाएंगी मैच देखने, तो आपका क्या ख्याल है इस क्रिकेट का क्या हाल होगा? खिलाड़ियों की दिलचस्पी कम हो जाएगी। मतलब वो क्या दिलचस्पी यार, औरतों को देख के खेल रहे एक बॉल देख के नहीं खेल रहे हैं। एक जमाना था कि लोग जब खवातीन का अलग इंक्लोजर हुआ करता था तो कुछ क्रिकेटर्स फील्डिंग पोजीशन ऐसी सिलेक्ट किया करते थे कि उस इंक्लोजर के सामने रहे, कैच छूट जाता था तो कप्तान से गालियां भी उन्हें पड़ती थी, लेकिन उस पोजीशन को वो नहीं छोड़ते थे ताकि खवातीन की पीछे से आवाज़ें रहती, ए नंबर दे के जाइएगा। यार ये औरतें, इसका मतलब इसमें खवातीन का भी हाथ है। यार तो मैंने एक फिल्म देखी थी किंग कॉन्ग जी, किंग कॉन्ग कितना बड़ा, इतना बड़ा उसका हाथ, इतनी बड़ी बड़ी उंगलियां और सर पकड़ के बैठा हुआ लड़की से मोहब्बत की बात। यार मैं उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार जब किंग कॉन्ग जैसा बंदा जलील हो सकता है, कैसा बड़ा कहां तक है वो, उसके सर में दर्द हो गया। अब तो खवातीन की भी क्रिकेट टीम बन गई है ना। अरे हाँ इकबाल भाई, मैं तो आपको पता बोल यार, खवातीन में भी इस तरह की औरतें कैच छोड़ देती हैं। यहाँ इतना पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये औरतें तो पैसे को बहुत जमा करने वाली होती हैं। हाँ लेकिन यहाँ पर इन पर इतने पैसे नहीं लगाए जाते ना औरतों पे। जी के? पता है कि सहेली से बता देंगी, कहीं किसी और को ना बता दें, एकदम ना कह दें मैं सब बता दूंगी सब बता दूंगी, तुम कल मुझे कह रहे थे ना कैच छोड़ दो। हो सकता है बेचारी ये डरे में होंगे अभी। अच्छा खुद आपको कभी प्यार हुआ इस दौरान में जब आपने इनको देखा गया, कल के लड़के आकर के मोहब्बतें कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं? क्रिकेट से प्यार हुआ आपको? क्रिकेट से, इसलिए मुझे सब रिकॉर्ड याद है, हर चीज टिप्स पर है, अलम सारा कुछ याद है, सब याद है। क्रिकेट से प्यार हो गया जी, तो फिर शादी किससे हुई आप? शादी किससे करी? फुटबॉल से? खातून से। खातून वो तो काबिल एहतराम मान लिए, शादी तो आपके खातून से होनी थी। शादी हो गई तो अल्लाह ताला ने, घर में टीम है? जी हाँ, 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा अभी पूरी टीम नहीं है। क्रिकेट टीम के अंदर एकदम चेंज आया,
और बहुत सारे लोग जो है ना वो क्रिकेट छोड़ के चले गए, दीनदारी में लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम पे रवाना हो गए। तो ये लोग अपने दौर के अंदर बहुत अच्छा खेले हुए हैं सब लोग, जो मतलब सईद अनवर ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, उनके रिकॉर्ड भी हैं, और इंजमाम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, सकलैन मुश्ताक ने बड़ी अच्छी क्रिकेट, मुश्ताक अहमद ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, सब ने माशाल्लाह अब दीन की तरफ चले गए। इसका मतलब ये लोग पहले दीन की तरफ नहीं थे, ये इतने दिन बेदीन ही खेलते रहे। अब मसरूफियत थी ना उस वक्त, अब बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, तो तवज्जो सब इस तरफ दी है। इस्लामी नुक्ता नजर में मेरा ख्याल है कहीं पे भी खेलने कूदने पे कोई ऐसी वो नहीं है, बिल्कुल, और अगर ये लोग चाहते तो खेलते भी रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये जो मौजूदा दौर है ये बड़ा खतरनाक दौर है खातून हज़रात, इस खतरनाक दौर में दयानतदारी कहती है कि तुम जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हो उसके लिए तुम अच्छे रहो, जिस मिट्टी ने तुम्हें पैदा किया है उसके लिए, उस जो पैदा करो उसके लिए पैदा करो, इसके लिए अपनी पैदा मत करो। अपनी पैदा करनी है तो खुदा के लिए यार कौम पे रहम करो, मुल्क पे रहम करो। मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आप इसी कौम के बेटे हैं। कौम जब ये शर्मिंदगी की बातें पूरी दुनिया में जाती हैं तो सब लोगों को इसमें आप यकीन करें एक शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं चेयरमैन साहब एजाज भट्ट साहब से दरख्वास्त करूँगा, भट्ट साहब तनु अल्लाह का वास्ता है, मैं तनु एक अच्छा मशवरा दे रहे हैं, तो सी सर फड़ के ना ते सोचो कि तुसी कदों जाना है, हज ते उमरे ते जाओ। चले आपको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, आपसे बुला करके पूछेंगे आपसे कि क्या राज है आपके ना जाने में, कौन है आपके पीछे जो आपको जाने नहीं दे रहा, कौन है जो जिद कर रहा है कि ना तू ना जाई सोनिया, तू गया तो ऐसे मर जावांगे, तू ना जाई। हम उनसे मिलना चाहते हैं जिन्होंने आपको रोका हुआ है। इतने प्यारे चेयरमैन, मेरे पाले पाले चेयरमैन, पाले पाले आप बहुत प्यारे बाबा जी, अल्लाह की कसम बड़े सोने लग गए, काश तुसी चेयरमैन ना होंगे, मैं तो कार आके तो मिल रहा। लेकिन मुझे ये होता है कि आप एक चेयरमैन हैं, इतने ग्रेसफुल आपके हेयर हैं, इतना अच्छा आपका स्टाइल है, तो आप तो डांटते हैं लड़कों को, भैया कैसे तुम कैच छोड़ रहे हो, कैसे तुम ये काम कर रहे हो, ये बोला ये होना चाहिए था आपका रोल। लेकिन आप भी शायद मेरी तरह मजबूर हैं, मैं भी पैसे कमाने के लिए काम करता हूँ, और मैं ब्रेक लेता हूँ अपने चैनल के लिए, और आपने भी जो ब्रेक लिए हैं और आपके प्लेयर्स जो ब्रेक्स लेते हैं वो भी शायद इसीलिए लेते हैं, और मैं भी इसीलिए ले रहा हूँ। तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर के मैं भी छोटा सा आमदनी का जरिया बनाता हूँ। इस दौरान में आप अपनी आमदनी के बारे में सोचिए और हमारे प्रोग्राम में आने के बारे में सोचिए। हम चाहते हैं कि आप इस ऑडियंस के सामने बैठ करके जो बातें मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने फरमाई हैं उनकी तस्दीक या तस्दीक करें, लेकिन करें कुछ जरूर, कुछ तो करो भट्ट साहब। असली ब्रेक लेके होने वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम ब्रेक पे गए थे और गुफ्तगू छोड़ के गए थे यहाँ कि मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम कर रहे थे बात अपने कौमी जज्बात की, और इस बात की कि हमारे जज्बात से कोई खेलता तो नहीं। जज्बात से खेलने पे मुझे याद आया कि फिल्मी सिचुएशंस में लोगों को इमोशनल किया जाता है, रोमांस में ट्रेजडी पैदा की जाती है, लड़की जुदा लड़का उधर, बाप बीच में, अम्मी उधर, फुप्पा उधर, तलवारें भी निकलती हैं जंग में, और फिल्मों में मोहब्बत को इस तरह दिखाया जाता है कि आम जिंदगी में उससे मुख्तलिफ होते। मगर मैं समझता हूँ कि मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला, और बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जो कि खुद ही आते हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस करते हैं। हमारी अगली जो मेहमान हैं वो टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म, इन सारे इदारों में उन्होंने एक्टिंग किया है और टॉप उस पर स्टैंड पे किया है, यानी कि टॉप वन में किए है, नंबर वन की पोजीशन पे फिल्मों में हीरोइन आती रही हैं, और थिएटर किया वो भी बड़ा ग्रेसफुल किया उन्होंने। मेरे साथ भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में हमने एक साथ की हैं, बल्कि मेरी जो फर्स्ट मूवी थी 1992 में हमने बनाई थी मिस्टर 420, उसमें भी ये हीरोइन थी,
उसमें तीन हीरोइन थी, उनमें से एक ये भी थी। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज शरीफ शो में हमारी मेहमान हैं और इनके पास तीन फील्ड्स का एक्सपीरियंस है और हम इनके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे अगर आपका हमारा बहुत अच्छा साथ रहा तो। हमारे मेहमान का इस्तकबाल उसी तरह कीजिए जिस तरह हम शरीफ शो में अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं जहमत दूंगा, तशरीफ लाएंगे मोहतरमा फिल्म स्टार मदीहा शाह। मदीहा, मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप यकीन कीजिए सारी यादें वापस आ गईं, सारे वो सेट वापस आ गए और ये जब आई हूँ इस स्टूडियो में तो वो मिस्टर 420 याद आ गई और इतना काम याद आ गया कि मेरे पास इनकी याददाश्त वापस आ गई। मेरी तो याददाश्त है ही, मगर मेरी जो यादें हैं इन चीज़ों से वो याद आ गई, वो याद आ गई। अच्छी चीज़ें तो याद आनी चाहिए, अच्छी चीज़ें तो याद रह जाती हैं, वो सब याद आ गया। हमने कितना साथ में काम किया और हमारी पहली फिल्म थी वो मिस्टर 420, उसमें ये अभी मैं जिक्र कर रहा था कि आप उसमें हमारे साथ थी और ये ऑलरेडी फिल्म कर चुकी थी, मैं तो नगीना निगाहें आ चुकी थी, आ चुकी थी इनकी फिल्म में और वो फिल्म हमने की और माशाल्लाह उसने टर्मिनेटर 2 के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जी माशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत अच्छी मूवी थी, नो डाउट, बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत अच्छा रोल आपने किया था और उसमें मेरे तीन कैरेक्टर थे उसके अंदर और जिसमें एक जो था वो पुलिस इंस्पेक्टर का था, एक जो था एक गांव के देहाती का था और एक रोल था मेरा जो के बंदर का था, जंगली का, जंगली बंदर था वो। हाँ। बंदर होता है वो, उसको बंदरों ने पाला होता है। बहुत अच्छे वो तीनों रोल, ऐसे वो रोल, उस लड़की का रोल इन्होंने किया था, बंदर को ठीक करके इंसान बना दिया। आपको लगता है मैं इंसान बन गया? माशाल्लाह, मैं कहने की बात है, शरीफ शो कर रहे हैं आप, उमर शरीफ हैं आप, शरीफों शरीफ शरीफों को मतलब आजकल मैं बता रहा हूँ शराफत क्या है। हाँ, नहीं आपके शो से माशाल्लाह लोग बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ताला, हमें तो हम तो उनको बिल भी देना चाहते हैं देखने का। तो कोई पाकिस्तान में चीज़ फ्री रही नहीं है, ये तो हुकूमतों की मेहरबानी है कि चांद हमें फ्री देखने को मिल रहा है और तारे हमें देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है हम किसी दिन सो के उठें तो हमारे घर के पास बिल पड़े हों, आपने रात को 100 तारे देखे, 2 लाख रुपये आपका टैक्स है। सूरज के सासा से मैं आई हूँ सीरियल में और उसके बाद मुझे फिल्मों की ऑफर होगी तो 91 में मैंने नगीना की, फिर निगाहें की, बहुत सी फिल्में की आपके साथ, 11 फिल्में की मेरे साथ, 11 लाट साहब की, उसके बाद हमने हिट फिल्म की नौसर बाज की, मुंडे शरारती की, फिर मोहम्मद जवेद फाजिल साहब की फिल्म अवारगी की, हमने बेतहाशा फिल्में की हैं और माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत फरमाई और फिर आप थिएटर में गई, आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस फील्ड में रहा? तीनों और फिल्म, तीनों में। ये तो आप वो कर रही है ना सियासी बयान? नहीं, कोई सियासी बयान नहीं, मैं क्यों सियासतदान हूँ? इतनी नफरत से, इतनी नफरत से कहा मैं को सियासतदान हूँ? आपके नज़दीक कोई अच्छी चीज़ नहीं है सियासत? नहीं, सियासत बहुत अच्छी चीज़ है अगर अच्छे तरीके से की जाए तो। हाँ हाँ हाँ, क्या अच्छी बात की, वाह वाह, अगर अच्छे तरीके से की जाए। ऐसे नहीं जो हम हर चैनल पे बैठ के डिस्कस करते हैं, बिजली नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं, रोटी नहीं, ये इस तरह नहीं, सब कहें यार क्या बात है, क्या निज़ाम चल रहा है, क्या सिस्टम है, ये चीजें दे के सियासत करो, फिर करो ना, फिर आटा भी दे दो, बिजली दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, नौकरी दे दो। हाँ। तहफ्फुज दे दो, इज्जत दे बेल्कुल, दो सुकून दे दो, ये सारी चीजें देख के फिर सियासत करो, इन चीजों पे सियासत हो रही है? नहीं, इनके ऊपर कहाँ, इनके ऊपर होनी चाहिए ना? आपका क्या ख्याल है, आपने फिल्म इंडस्ट्री में गई तो क्या लगा आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी सियासत है? सबसे बड़ी सियासत तो है ही वहाँ, वो तो तीसरी दुनिया है। लो देखो कितनी बुरी बात है। नहीं मैं मुझे तो पता नहीं चला, मैं काम करके भी आ गया वहाँ से। नहीं थी, नहीं कैसे होती है वहाँ पे? फिर तबाही कहाँ से आई? कौन, फिल्म इंडस्ट्री की तबाही कहाँ से आई? तबाही कहाँ से आई? तबाही, हाँ, अगर सियासत ना होती तो शायद तबाही भी ना होती। इकबाल साहब देख रहे हैं आप, क्रिकेट की तबाही सियासत के आने की वजह से, क्रिकेट में भी सियासत है, सियासत है बिल्कुल। और उसके गुरु कौन है? इजाज़ भाई, बताए
आपको क्रिकेट से दिलचस्पी है, फिल्म स्टार्स को तो बहुत होती है। नहीं, मुझे शुरू से इतनी नहीं रही, बस ये है कि पाकिस्तान जीते इसमें खुशी होती थी, अब वो मैच फिक्सिंग हो गए हैं तो नफरत हो गई है अजीब सी। अच्छा, एक्टर अगर कहीं खुदा ना खास्ता ऐसे होते जैसे क्रिकेटर्स के स्कैंडल आ रहे हैं, एक्टरों के स्कैंडल डिफरेंट होते हैं, आते हैं, ये वाले नहीं होते कि उन्होंने फिल्म फिक्स कर ली किसी हिदायतकार से पैसे पकड़ लिए, इसकी फिल्म में अच्छा काम नहीं करूंगी मैं। हाँ, पर मैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि बड़ा बड़ा कुछ फिक्स हुआ है वहाँ। वहाँ भी आपको पता तो है, अब मेरे मुंह से उगलवाना चाहते हैं। I know that। नहीं, उगलवाना नहीं, मैं निकलवाना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं निकालूं, कोई बात करूं, of course आप चाहते हैं, और ये होता है हर जगह होता है। अच्छा बढ़िया, इतनी फिल्में, इतना टीवी, इतना थिएटर किया जी, क्या आप आके मुतमईन हो गई कि आपने सारा काम कर लिया या अभी कुछ तिशनगी है? Really, आज भी फील होता है कुछ नहीं किया, करना है बहुत कुछ। हालांकि आपने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, आप बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। सबसे ज्यादा टाइटल मैंने किए हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा टाइटल करने वाली लड़की मैं हूँ। बताइए, सबसे ज्यादा टाइटल रोल किए इन्होंने, क्या बात है, क्या बात है। हीरो आपने सारे हीरोज के साथ, तमाम तकरीबन सभी हीरोज, सभी डायरेक्टर्स, सबके साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मजा आया, सीखा। आपने पूछा था अभी कि क्या, कौन सा मीडियम ज्यादा पसंद है, तो टीवी ऑलवेज, क्योंकि मैं, मेरे चाइल्ड स्टार से ही टीवी पे आई थी सूरज के साथ साथ से, तो वो एक आपका मदर इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको लाइट का पता लगता है, डायलॉग डिलीवरी का पता चलता है, फुटवर्क का पता चलता है, आपके रिदम का पता चलता है, तो वो मेन टीवी है। टीवी के बाद वो सारा जो सीखा हुआ था वो फिल्म इंडस्ट्री में जाके यूज़ किया, वहाँ काम आया, और उसके बाद जब जन्म जन्म की मैली चादर जैसा 5 साल ड्रामा चला, थिएटर किया, वो भी पढ़ा लिखा सुलझावा किया, पहले हर चीज़ को सीखने जाती हूँ। और देखिए, जन्म जन्म की मैली चादर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे हम लोगों ने भी बेशुमार ड्रामे किए जो सारे साल चले, पूरी दुनिया में चले, मगर मैं यहाँ पर अफजाल अहमद साहब का जिक्र करना चाहूंगा और उनको मैं ये ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। अफजाल भाई, अगर आप देख रहे हो, क्यों अल्लाह करे कि आप देख रहे हो, तो मुझे आपको आपकी तबीयत पूछनी है। दूसरा ये कहना है कि आपने वो थिएटर की तारीख में बहुत खूबसूरत ड्रामा किया था जन्म जन्म की मैली चादर, मैं आपको ट्रिब्यूट करता हूँ उस चीज़ का, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह हुमायूं कुरैशी साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। मदिया, अपनी जिंदगी का पहला रोमांटिक सीन आपने किसके साथ किया? शान के साथ, ऑफ कोर्स। अच्छा, पहला सीन क्या शान के साथ, क्या लाइन थी वो पहली लाइन? इतनी फिल्में की हैं उमर साहब, आपको पता है कि यार आदमी अपनी जिंदगी का पहला रोमांस, पहला डायरेक्ट, पहली परफॉर्मेंस, पहला गाना, पहला इश्क, पहली अपना दुख, पहला गम, जिंदगी का भूलता नहीं है कभी। नहीं, कभी नहीं भूल सकता। तो आप कैसे भूल गए पहला डायलॉग? क्या था? डांट रहे? क्या नहीं पूछ रहे? प्यार से पूछा, क्या क्या था बताओ? मेरी नहीं बता लो। आप प्लीज बता। वही था जो मैंने कहा था। आपका तो और था, जाहिर है वो तो एक रोमांटिक फिल्म थी और वहीं से किरा स्टार्ट हुआ था, एक नई जनरेशन आई सारी फिल्म इंडस्ट्री का, उस वक्त भी यही जमूत तारी था जी, लाचा कुर्ता गंडासा ये वो, और ये पढ़ी लिखी फिर फिल्में बनने शुरू हुई और ये कंपटीशन में काम होता था। मैं कहती हूँ वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और कैमरे के सामने होना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा कॉम्पिटिशन रहा जी, मगर क्या आप समझते हैं हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा, क्या सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में करप्शन है? अरे असल में तो उमर भाई, शुरू जो पकड़ा गया हंसी क्रोनिए, उसकी टेलीफोन कॉल जब 2000 में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर थी, नई दिल्ली की CBI ने उसकी टेलीफोन कॉल्स पकड़ी, और भारतीय प्लेयर्स क्या असल में कहते हैं कि मैच फिक्सिंग तो वहीं होती है, बॉम्बे जो है वो गढ़ है मैच फिक्सिंग का, बॉम्बे जी, और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और मोहम्मद अजहरुद्दीन पे पाबंदी लगी, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो हैदराबाद दक्कन के हैं जी, 99 कितना क्या किया उन्होंने, उन पे मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होने पर उनके पर पाबंदी लगा दी भारतीय क्रिकेट, अजहरुद्दीन साहब क्या मियां मैच को फिक्सिंग करते हैं तो बोले मियां क्या कर ले मियां, इंडिया को फिक्स करें आप, सट्टेबाजी का गढ़ जो है वो तो इंडिया है ना, इंडिया वहां से चेन चलती है बिल्कुल। अच्छा, हम अब फिल्में करते रहे, हाँ। भाई आप अपने काम में लगे रहे, ये हम सब अपना अपना काम कर रहे थे, मगर हमारी एक बात अच्छी थी मेरा ख्याल है कि हम सब कर इसलिए रहे थे कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। Exactly. हम फिल्में बना रहे थे, अगर हम कोशिश कर रहे हैं यार पाकिस्तानी फिल्में अच्छी हों, हमारी फिल्मों के सीन जो हैं वो इंडिया की बेशुमार फिल्मों में चोरी हुए, हमारे गाने चोरी होते, मेरे बहुत ड्रामों के सिक्वेंस जो हैं वो चोरी होते हैं,
मैं देखता हूँ, तो चलो वो हमें चोरी करें कॉपी करें तो ये हमारे लिए प्राउड है। हाँ। मगर हम अपने ट्रैक जब बदलने लगे और करने लगे, आपको एक्टिंग में ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने एक्टिंग के कोई वो नहीं बनाए, इदारे नहीं बनाए, कोई हमने स्कूल्स नहीं बनाए, और हमारे यहाँ इस काम को बुरा ही समझा जाता रहा? पता नहीं, ड्यूअल पर्सनैलिटीज हैं या डबल फेस हैं लोगों के, कि मुंह पे आप ये होंगे तो तस्वीर के लिए भी तरसते हैं कि तस्वीर खिंचवा लें, ये पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, ये हमारे पास हो, हम इसके साथ खड़े हों, खड़े होने के लिए भी तरसते हैं। बाद में वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, आपको मुँह ना कोई लगाए, या अगर आपको लिफ्ट, अगर जाहिर है किसी एकदम तो नहीं बंदा फ्रैंक हो जाता, तो कोई अगर इस तरह सोच ले आपके बारे में, मतलब बंदा कैसे फ्रैंक होता, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से कैसे फ्रैंक कैसे होना चाहिए? मैं कहती हूँ इंसान जाहिर है आजकल पढ़ा लिखा दौर है, यूथ का टाइम है, यूथ का मैसेज करो, जनरेशन बातें मैसेज करो, कहाँ चली गई हमारी, मैसेज करो, आंखों की तरफ जाए, पीछे चला जाए, यूथ हमारी आगे की आगे ही है, यूथ हमारी आगे जा रही है, माशाल्लाह, नहीं हमें आगे लेके जाना। अच्छा, हम लोगों ने अपनी यूथ के लिए क्या बचा के रखा हुआ जो हम उन्हें देंगे? हमारे पास कोई एग्जाम्पल ऐसी है कि अब हम यूथ को दे सकें कि क्रिकेट में ये है, फिल्म में ये है, टीवी में ये है, थिएटर में ये है, हमारी पॉलिटिक्स में ये है, हमारे बिजनेस में ये है, हमारे पास क्या है? क्या कुछ नहीं बचा? आप तो बर्बाद हो गए। आप तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, ये तो बाकी बर्बाद हो गए। नहीं, आप ये बर्बाद नहीं हुई है। उमर भाई, जब क्रिकेट टीम जीतती है तो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें भी नजर आती हैं, और पाकिस्तान का झंडा कहीं बुलंद होता है तो लोगों के चेहरों पर खुशी तो आती है ना? आती है, बिल्कुल सही बात है। मगर इस बात का ख्याल भी तो रखना चाहिए ना कि यार ये खुशी गायब ना हो जाए ना, एकदम एकदम खुशी होती है, अभी हंस रहे होते हैं, एकदम जरा सा टाइम भी नहीं मिलता बीच में खुश रहने का, कि एक दो हफ्ते निकल जाए, महीना निकल जाए हमारा, बस ऐसे हालात हुए हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में। अब क्या हो रहा है मदिया? अब सिर्फ मेरे ख्याल से गंदी हो रहा है। कहने का मकसद ये, एक स्क्रिप्ट नहीं है, राइटर नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। मजाजन जैसा अच्छा स्क्रिप्ट आया मैंने फिल्म की, वैसा आएगा। आपकी अच्छी फिल्में आई माशाल्लाह, आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, ऑफर करेंगे, मैं ज़रूर करूँगी, आपको लिया जाएगा, आप ज़रूर काम करेंगे, ऑफ कोर्स काम अच्छा होना चाहिए। आपको मतलब है कि इंडस्ट्री है लेकिन अच्छे काम करने वाले नहीं है? ऑफ कोर्स। मिर्जा साहब ये बताइए, क्या क्रिकेटर अच्छे हैं? हमारे पास बच्चे पीछे जो है, बिल्कुल टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, बेपनाह टैलेंट, लेकिन उनको ला कोई नहीं रहे। लाने की भी एक बात है, एकेडमीज बनाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आ रहे हैं लड़के, लेकिन वो जिस अंदाज से उनको आना चाहिए उस अंदाज से वो आ नहीं पा रहे। अच्छा, हमारे ये भी बड़ी कमी है मदिया कि जब हमारे यहाँ कोई बंदा स्टार बन जाता है उस जैसा हम पीछे से बैकअप जो है ना हमारे पर नहीं होता। हाँ। कि भाई एक बंदा अगर हमारा खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, जिंदगी है, कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे पास दूसरा उस जैसा बंदा नहीं होता। तो आप तो बिल्कुल ही, इन्होंने सही कहा, तबाही हो गए आप। क्रिकेट बोर्ड के पास उमर भाई ढाई अरब रुपए हैं उनके पास जी। आहिस्ता बात करें लोग, अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यार आराम से बात करें, ऐसा ना हो कि एजाज भट्ट साहब जो है वो बुरा मान जाएंगे, आपने बता दिया 2.5 अरब रुपए हैं जी, तो किसके पास रखे हुए हैं? कुछ बैंक में रखे हुए हैं, कुछ दौरों पर खर्च हो रहे हैं। दौरे क्या, किसी को दौरा भी पड़ा? जिनके पैसे थे, जिनकी मेहनत से आया, उनको दौरा तो पड़ना ही है ना। अच्छा, वो दौरा जो बाहर जाते हैं? जी हाँ, गैर मुल्की दौरा, बेगमात के साथ, बच्चों के साथ। वो बेगमात तो जिद करके चले, शॉपिंग भी करते हैं, फिर डेली अलाउंस भी लेते हैं, चोफर ड्रिवन गाड़ी भी मिलती है, और ये इस आवाम का पैसा है जो आवाम टीवी के सामने बैठ के देख रहे थे, अभी करे, अभी देखना लो भाई शर्त लगा लो, अब इसे कोई आउट करके दिखा दे, और उसी में होता है वो गड़म करके आउट। सही कह रहे यार, ये कौम से क्या कोई मजाक हो रहा है क्या? 1.5 अरब रुपया आप बता रहे हो? ढाई अरब जी। मैं 1 अरब के लिए आपसे माफी मांगता हूं, 1.5 अरब कह दिए, 2.5 अरब रुपए जी। उफ, 2.5 अरब और अभी अरब ना रुपए होते हैं, 2.5 अरब रुपए, वो अरब नहीं, ऐन वाला अरब नहीं, ये अलिफ वाला अरब है। अच्छा, अलिफ वाला अरब जी, ये क्रिकेट बोर्ड के पास है जी। अच्छा, कौन कौन से हीरोइन आपको पसंद है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, जिनको आप कहते हैं यार ये हैं नंबर वन? मौजूदा दौर की है, पुराने दौर? पुराने से शुरू कर लें, आप तो पुराने से बात करें, आप तो 78 में तो आप, हाँ, तो और 60s में चले जाएं, 60s में 50s में से करें, नंबर वन आपको कौन पसंद है पहले? जेबा। वाह, वाकई में आपकी पसंद बहुत अच्छी है।
इसका मतलब आप फिल्म देखने वाले आदमी, सही। उसके बाद जेवा भाभी के बाद बाबरा शरीफ। बाबरा शरीफ, ओ यस, ये आप मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, रानी जी ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, ये मुझे खुश कर रहे हैं बाबरा शरीफ की तारीफ। वो तो मैं शरीफ उनकी तारीफ बहुत करता हूँ। हाँ, मुझे पता है, अभी हमारी बात भी हुई है थोड़े। अच्छा, दिन पहले। अच्छा, बाबरा पसंद है, नो डाउट के बाबरा तो ऐसी है, उनको तो पसंद किया जाना चाहिए। वो तो बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी इंसान, बहुत प्यारी। अच्छा, फिर बंदों में आ जाए मोहम्मद अली। मोहम्मद ग्रेट, वाह, ही वाज अ सुपर। आए मोहम्मद अली, हाँ, और यहाँ पे उनकी पैरोडी नो मोहम्मद अली भाई होते और ये क्रिकेट मैच उनको दे दिया जाता। वो भी बड़े शौकीन थे कमेंट्री करने के लिए। प्लीज करके दिखाएं। आमिर गेंद करने के लिए आ रहा है, अल्लाह खैर करे, पैसे ना पकड़ लिए हो इसने, गेंद तो मजबूती से पकड़े हुआ है, पैसे ना पकड़ लिए हो। वाओ, वाओ, वाओ। और उसने गेंद फेंकी, शाहिद आफरीदी की गेंद बल खाती हुई बीच में से निकलती हुई, इंडिया की विकेटों को फाड़ती हुई निकल गई। हो गया ना आउट। क्या दौर था वो फिल्म इंडस्ट्री का, क्या जमाना था। नो डाउट। आप भी मैरिड है माशाल्लाह जी, आपने बताया आपकी लव मैरिज हुई थी जी। झूठ नहीं बोलेगा प्लीज, आप ऐसे हाथ करें ऐसे हाथ करें। और जो कहूंगा झूठ कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के जवाब कुछ नहीं कहूंगा। सच कह, लव मैरिज हुई जी। कहाँ लव हुआ था, स्टेडियम में? बस हो गया। मुझे ये बताइए कि ये प्यार आपके नजदीक क्या है, ये फास्ट बॉल की तरह आता है ठाक, या स्लो भी आता है स्पिनर की? फास्ट बॉल की तरह आता है। आय हाय हाय, डज। आपकी जिंदगी में कोई फास्ट बॉलर है? मेरी जिंदगी फास्ट बॉलर कोई है? है कोई? होना तो चाहिए। होना चाहिए तो क्या मैंने अरेंज करना होना चाहिए? क्यों नहीं, आपका हमारा एक जाहिर है, एक हमारी जो इंडस्ट्री है, हम एक ब्रादरी है ना? हम एक ब्रादरी है ऑफ कोर्स। तो आपने नहीं सोचा तो किसने सोचना है? मैंने सोचना भाई, ये भी ये यही मेरी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स सोचे। और सोचूंगा भाई मैं हाँ। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा। और मैं आपका नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपना सोच रहा हूँ। हाँ। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं एक ब्रेक ले लूँ, अगर मैंने ब्रेक नहीं लिया तो मेरा सर ब्रेक कर देंगे। पैसा चाहिए पैसा, बस अब आपकी इजाजत से जरूर, क्योंकि ये पैसों की बात है इसलिए मैंने आपसे किया है। और क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा बकौल आपके, तो ये एकदम आते हैं और इतने अरबपति करोड़पति कैसे बन जाते हैं आपसे पूछते हैं वापस आकर ब्रेक के बाद। और लेते हैं पेट के खातिर छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस बात की कि हम छोड़ के यहाँ गए थे बात को, कि पता नहीं हम कहाँ छोड़ के गए थे बात। बात ही भूल गए छोड़ के गए थे, क्योंकि इतने स्कैंडल खुल रहे हैं विकीलीक्स के बाद। ये आप जो है इस वक्त हमारे पास चल रही है मिर्जा इकबाल बेग लीक्स। इकबाल बेग साहब, आपने तो बहुत सारी बातें हमें बताई और बहुत सारी बातों पर से आपने पर्दा भी उठाया और कुछ बातों पर आपने पर्दा डाला भी, दोनों बातें बार बार बैलेंस करनी पड़ती हैं। मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि इंडियन टीम में भी करप्शन है। मधिया, आप बताइए कि इंडस्ट्री में कोई गर्मा गर्म अब किसकी शादी होने वाली, किसके साथ? कौन सी मैं बताऊँ शादी किसी की? सुबह मुकर जाती है, हमारी शादी ही नहीं थी। किसकी? बस पता है आपको मैंने जो कहा है, हमने कब शादी की है। यार ये कैसी खबर, खतरनाक खबरें बता रही हैं हमें मिर्जा साहब। अच्छा मदिया, जब तुम आई थी तो आइडियल तो तुम्हारे साथ कोई ना कोई होगा। आइडियल कि मैं ऐसे बंदे से शादी करूंगी, ये आँख ये नाक ये कद ये फला ये हूँ, ऐसा
कुछ जहन में था ना? देखिए, हर लड़की का एक ख्वाब होता है, ऑफकोर्स होना भी चाहिए। जो अच्छे घरों से पढ़ी लिखी लड़कियां आती हैं, उनके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चियों का अच्छा मुस्तकबिल देखें, उनकी अच्छी जगह शादियां हों। हर इंसान यही चाहता है। हुआ ऐसा सीन? मेरा अभी तक सीन ऐसा नहीं हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी होगा? क्यों नहीं, मतलब अभी हो? रीमा का नहीं हुआ, सबका नहीं हुआ, अभी सारे बैठे हुए। किसका नहीं हुआ? रीमा का नहीं हुआ, अभी तो मीरा की शादी नहीं हुई। इस सदी का सबसे बड़ी शादी मीरा की शादी। मीरा की शादी? आप मीरा की शादी में गई थी? जी मैं तो गई थी, और मैंने तो चावल भी खाए थे। ये है मदिया लीक्स। हमारे पास एक ऐसी आर्टिस्ट बैठी है मदिया शाह, जिन्होंने मीरा की शादी के चावल खाए हैं। मगर चावल से खुद पकाए हुए थे, और ये नहीं मैं पता था कि शादी कर ली हुई इस बंदी ने, छुपाया हुआ था उसने। अच्छा? सबसे, तमाम मीडिया से। सना की शादी पे हम सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हुई, तो कहती है कि बस दुआ करें मदिया जी, मेरी भी शादी हो जाए। और उस वक्त उसकी शादी को हुए 2 साल हो गए हुए थे, और हम दुआएं कर रहे हैं। उसको दिमाग में नहीं रहा होगा कि मेरी शादी हो गई। नहीं नहीं, बहुत समझदार है, इसको आगे समझदारी बताता है। नहीं, इसका मतलब हम लोग बेवकूफ हैं। हम बेवकूफ हैं। अच्छा, 68 लाख उसके पास है। 68 लाख, तो पागल है। हो सकता है उसने पैसे इलाज के लिए जमा किए। वैसे तो 7-7 करोड़ खा जाती है, पता नहीं चलता, पर ये कि वो शो यही करती है। अच्छा, रीमा की शादी क्यों नहीं हो रही है? ये मैं कैसे बताऊं? इसकी शादी क्यों नहीं हो रही? नहीं नहीं, कब होगी वैसे? आपका आइडिया क्या है? हमारी इंडस्ट्री की जितनी लड़कियों की शादी नहीं हुई, कब होगी इनकी शादियां? मुझे बताएं, आपकी क्यों अभी तक शादी नहीं हुई? क्या आपके चावल का, आपके चावल अभी क्या मिल में बने ही नहीं है क्या? मिल को छोड़ दो, मैं कहता मुझे, मैं उस किसान को ढूंढ रहा हूँ जिसने अभी तक तुम्हारे चावल नहीं उगाए। तुम्हारी शादी के चावल क्यों नहीं उगाए उसने? मैं मेंटी किसान भाइयों, खुदा के लिए मदिया शाह की शादी के वलीमे के चावल उगाओ। अब मैं तो डॉक्टर डायरेक्ट जो है ना, किसानों से खिताब कर दिया। किसानों से क्या लेना देना शादी? चावल वो भी उगाएंगे ना, वहाँ फसलें नहीं उग रही अब सैलाब की वजह से। चलो कोई बात नहीं, हम बाहर से इंपोर्ट करवा लेंगे, चोर कर लेंगे। तैयार कर लेंगे अगले साल इंशाल्लाह। अगले साल देखो, तुम वादा कर रही हो? हाँ, वादा सब। अगले साल तुम मुझे बच्चों के साथ मिलोगी? पहले शादी करूंगी, फिर बच्चों के साथ मिलूंगी ना। दायर, बिल्कुल सही सही बात कर रही हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ, मैं असल में यूरोप में ज्यादा रहता हूँ ना, हमारे पे ना, वहाँ पे क्या होता है, बच्चे पहले होते हैं शादी बाद में। तो उस वो अच्छे रहते हैं, फायदे में रहते हैं। वो क्या, उनके बच्चे शादी में किसी काम आ जाते हैं। काम करो तो कार्ड छपवा के लिए आए, ये हमारे मामा को ड्रॉप करके आ गए बच्चे, यार मम्मी की शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। तो अब आपके अभी मतलब 1 साल के बाद आपने बोल दिया? हाँ, आज वादा करके जा रही हैं? मैं वादा कर रही हूँ, 1 साल बाद पक्का मैं आपको अपने शो में बुलाऊंगा, आप अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड के साथ इधर आऊंगी। इधर इनकी तरफ क्या इशारा? नहीं, 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 नहीं। मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। नहीं, आपने कहा अपने हस्बैंड के साथ भाई, ये आपका हाथ चला गया होगा, अपने हाथ को समझाए। एक मिनट, मैं वहाँ आऊंगी, वो यहाँ आऊंगी, ठीक है? इनका मतलब है आपकी जगह पे वो बैठे हुए होंगे। किनकी जगह? मतलब जहाँ ये बैठे हैं वहाँ शौर बैठे होंगे? नहीं, वहाँ मैं बैठी होंगी। वहाँ आप बैठी होंगी? जी, वो मेरे साथ बैठे होंगे। मतलब शौर आप होंगी, वो बीवी होंगे। उनका नाम क्या होगा, इत्तफाकन बताइए। मतलब मैं कैसे उन्हें मुखातिब करूंगा, क्या कहूंगा उन्हें? अजनबी, क्या कहूंगा? नाम क्या होगा उनका, बताओ ना प्लीज। अल्लाह करो, नाम बताओ उनका क्या होगा, मैं क्या उन्हें मुखातिब करूंगा? मिस्टर फला, क्या करूंगा? A to Z कोई नाम होगा, मिस्टर A to Z। नहीं, क्या नाम होगा? A to Z, मिस्टर A to Z, क्या नाम बनाओ इसमें से? अधिक रहमान नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा नाम होगा। कुछ आइडिया तो दें, A to Z में तो काफी वो है।
आ तो जाए ना, मैं बता दूं वो आया क्यों नहीं, क्या वजह है? अभी उसकी ईमेल्स आ रही हैं। ईमेल आ रहे? अरे यार बात हो, गुड यार, वेरी गुड। यानी ये ईमेल्स आ रही है ना? ईमेल्स आ रही है यार, ये अच्छी बात है। तो हमें कुछ बताओ तो सही, हमारा कुछ एक साल सुकून से गुजारने का कोई हमें मटेरियल तो दे के जाओ यार। आप बताओ, यानी कि हनीमून की जगह भी सोच ली होगी आपने तो? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ईमेल पे आया ये मैसेज? वैसे आपके जहन में क्या नाम है? मैं ये चाहूंगी कि मोहब्बत प्यार से रहे और वो बंदा भी इतना स्वीट हो और इतना मतलब प्यार करने वाला हो। शुगर हो उसको? शुगर? शुगर कहाँ से आ गई? आपने कहा ना स्वीट हो, स्वीट मतलब शुगर हो जाती है। आई एम सॉरी, शुगर नाम मैं कहना, शुगर भी तो आजकल कोई बुरी बात नहीं है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है, आपका चीनी बचेगी आपकी बहुत। आपने आपने मैं नहीं बचाना चाहती, मुझे से चीनी बचेगी। क्या हुआ, आपने चाय बनाई, उनकी उंगली पकड़ी? शौहर का सही इस्तेमाल ये है। अच्छा, शुक्रिया शौहर का, सारे टिप्स लूंगी आपसे। ओ यस, हाँ, और आपने मुझे देने हैं सारे टिप्स। हाँ यस, क्या कहेंगी उन्हें प्यार से? मिसाल के तौर पे वो दफ्तर से आए, हाय हाय। अच्छा जी, आप शर्मा रही, उनको मजाक उड़ा रही है। खुदा का वास्ते मुझे देख रहे होंगे। अगर आप देख रहे हैं ना यार मेरे भाई, तो आप देख लें। अच्छा, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे? हाँ। हाय हाय, कितना? और यूरोप पूरा? और यूरोप? तो ये स्विट्जरलैंड क्या टंडो आदम में? नहीं नहीं, टंडो आदम की बात नहीं हो रही। अच्छा, आगे आगे यूरोप की दूसरी जगह? उसके बाद मैं बता रही हूँ कि स्विट्जरलैंड के बाद सीधा जाऊंगी स्पेन, इटली, जर्मनी, जो मेरा प्लान है। स्पेन, इटली, अच्छा स्पेन, एथेंस, रोम, रोम, पेरिस, और पेरिस। इसका मतलब है पार्टी बहुत तगड़ी है। वो इसलिए कि आपकी बंदी भी तो बड़ी तगड़ी है। ओ क्या बात है, लड़की वाले कह रहे हैं हमारी बंदी, लड़की भी तो बहुत तगड़ी है। माशाल्लाह। तीन सवाल पूछूंगा, प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। नहीं सुन लो ना, पर कभी गुलबर्ग के एरिया में आए हैं वो, जहाँ आप रहती हैं? नहीं। आप उनसे मिले हैं? नहीं। आपने उन्हें देखा है? हाँ। हाँ नहीं कहते, बदतमीज जी कहते। सॉरी जी, आपने उन्हें देखा है? जी। अच्छा, देखने में कैसे? अच्छा, देखने में कैसे? मेरे जैसे स्वीट। ओहो।